एवरीवन, दिस इज AK22। आप सभी का स्वागत है एक और सुपर ऑसम सर्वाइवल गेम में जिसका नाम है वेलहम। और ये जस्ट लास्ट वीक रिलीज हुआ है, अभी ये अर्ली एक्सेस में है और बहुत ही मस्त गेम है। मैंने इसकी लाइव स्ट्रीम्स देखी है। अगर आप एक माइनक्राफ्ट फ़ैन हैं या रस्ट फ़ैन हैं या आर्क फ़ैन हैं और आपको सर्वाइवल आस्पेक्ट पसंद है, बॉस फाइट्स पसंद है एक मस्त वाले और रैंडम वर्ल्ड में, तो ये गेम आपके लिए है। क्योंकि जैसे आप सीड सेलेक्ट करते हैं ना माइनक्राफ्ट में, वैसे आप इसमें सीड सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका खुद का एक रैंडम वर्ल्ड जनरेट कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल बॉस फाइट्स हैं और आपको सर्वाइव करना है। और ये मिडीवल टाइम्स का है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट गेम, ये मेरा फर्स्ट, मैं घुस के देख रहा था कि इसमें कैसा क्या फील है और क्या क्या करना पड़ता है। हम नया क्या करेक्टर बनाने वाले, ठीक है, न्यू, इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम भी एक है नहीं रखते हैं, ओके। तो इसमें आप क्या कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आपको लेना है। और हेयर कौन सा रखें हम इसमें, रुको, हेयर स्टाइल्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, ये वाली, मेरे को बियर्ड चाहिए है, हेयर टोन पूरा वाइट लाइक दिस, नाइस, ओके लेट्स गो। फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ल्ड, ये देखो, ये दिख रहा है, ये आपका सीड रहता है, ये वाला। और इसी में हम, नहीं नहीं ये वाला तो अभी हमारे पास था, न्यू सीड, ठीक है, न्यू सीड। वर्ल्ड का नाम हम दे सकते हैं सर वाइव, और ये सीड है इसका, ठीक है। कोई भी अगर ये सीड डाल के खेलेगा तो उसको सेम वर्ल्ड मिलेगा जैसे माइनक्राफ्ट में रहता है, ठीक है। एंड डन, ओके लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग अगो द ऑल फादर ओडिन यूनाइटेड द वर्ल्ड्स, ही थ्रू डाउन हिज फोर्स एंड कास्ट देम इनटू द 10th वर्ल्ड, देन स्प्लिट द बॉक्स दैट हेल्ड देयर प्रिजन टू द वर्ल्ड ट्री एंड लेफ्ट इट टू ड्रिफ्ट अनहोर्ड, अ प्लेक ऑफ एग्जाइल फॉर क्रीचर्स दिस वर्ल्ड सबर्ब्ड अनइजली बट इट डिड नॉट डाई। As galaxies each pass away, kingdom rose fell out of the sight of the gods. Odin. Okay. The world, they would be born again in Valheim. Okay. Nice. What is this? Oh, Kawa Man. Okay. तो ये हमको वहाँ पर ले जाके छोड़ेगा। ये जो कौवा मैन है, मस्त लग रहा है। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उसको? नहीं, अभी हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। हैवी रेनफॉल हो रहा है, ओके लेट्स सी कहाँ पर ड्रॉप करता है हमें। और ये जो वर्ल्ड रहता है ना, ये पूरा रैंडमली जनरेटेड रहता है, हर वर्ल्ड दूसरे से अलग रहता है, सेम एज माइनक्राफ्ट जब भी आप नया गेम चालू करते हो तो। ओके हेलो, ओके वी आर हियर, नाइस, स्टोन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है, हेलो कौवे, इसका नाम क्या है? यूजीन नाम है इसका। व्हाट इज दिस? वेगवाइसर एक्थेर, ओके पहले हम कौवे से बात करते हैं। हेलो, वेलकम टू द 10th वर्ल्ड वॉरियर, आई एम ह्यूजीन, सेंट हियर टू गाइड यू इन योर ट्रैवल्स। द मेगालिथ सराउंडिंग यू आर द सैक्रिफाइशियल स्टोन्स, दे रिप्रेजेंट द फॉरसेकन व्हिच यू मस्ट स्ले इन ऑर्डर टू असेंड टू वाल्हाला। ओके, ओ द मेगालिथ सराउंडिंग यू आर द सैक्रिफाइशियल स्टोन्स, दे रिप्रेजेंट द फॉरसेकन व्हिच यू मस्ट स्ले इन ऑर्डर टू असेंड टू। अच्छा, वो कहाँ चले गया? वो आ गया इधर। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे सैक्रिफिशियल स्टोन्स हैं और शायद ये बॉस हैं जिनको हमको मारना है इस वर्ल्ड में। मेरे पसीने के छूट रहे हैं। यूजीन, दिस स्टोन इज अ वेगवाइसर, ओके, दीज मैजिकल स्टोन्स वर सैक्रेटेड थ्रू आउट द लैंड्स ऑफ बाय ओडिन, ए साइन पोस्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स द रिचुअल ग्राउंड्स ऑफ द फोर्थ सेकेंड। If inspected closer, this ones will reveal the summoning place of
इक्थियर योर फर्स्ट प्रे. अच्छा इक्थियर हमारा फर्स्ट बॉस है. He is a mighty beast. You need to properly arm yourself before even attempting to defeat him. Okay, डराता है साले कौवे. हम किसी डरते नहीं हैं. Okay, तो ये शमन करने के लिए ये जो दिख रहा है आपको स्टोन, अच्छा यहाँ पे जाना है. ओके हम इसको मार्क कर सकते हैं. ये मैप है और जितना अभी हम घूमे हैं उतना अनलॉक हुआ है ये. ओके ये क्या है, होम और स्टेस पता नहीं. ठीक है पसीने के छूट रहे हैं हमारे. वाई अब क्या करना है, शायद मुझे उस डायरेक्शन में जाना है. ओके नाइस. ओह तो इसमें ये देखो, ये आपका इन्वेंट्री है, ये हॉट बार है, दिस इज़ योर क्राफ्टिंग मेन्यू, और ये कौवा मैन जो हमें बताता है, ये हमारे स्किल्स हैं. इसमें हर चीज़ का एक स्किल्स है. देखो अनआर्म्ड स्किल्स हैं, जंप है, क्लब, ब्लॉकिंग, और जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो ये खुलते जाता है. ट्रॉफीज अभी हमारे पास है नहीं. ये पीवीपी डैमेज, पीवीपी भी है इसमें, आप सर्वर बना के खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. ये मल्टीप्लेयर है, कोऑप मल्टीप्लेयर. ओ स्किल इम्प्रूव जंप, क्या बात है, जंप का भी स्किल है इसमें. नाइस. कहाँ गया स्किल्स, कहाँ गया स्किल्स, दिखाओ हमें. ये रहे जंप का स्किल्स, वन हो गया, गुड जॉब. ओके वी टॉक टू, वापस कौवे से बात करते. टेक स्टॉक ऑफ योर इन्वेंट्री, मोस्ट आइटम मस्ट बी क्राफ्टेड, हाउएवर ड्यू टू योर रीसेंट डिपार्चर फ्रॉम मिडगार्ड यू विल हैव टू रिकॉल द ट्रू शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्ट पिक थिंग्स अप एंड इट विल ऑल कम बैक टू यू. आई एम श्योर माई लेसर ब्रदर म्यूनिन टेल्स मी वन कैन फैशन अ स्टोन आउट ऑफ वुड एंड स्टोन. ओके शायरी नहीं झाड़ने का इधर, निकलने का इधर, फालतू मंजर नहीं करने का, हमको काम करना है अभी. ओके तो इसमें आपको बस रिसोर्सेज गैदर करने रहते हैं और अपने आप आपके पास वद्दा है किस दिस क्राफ्टिंग आ जाता है. सो दिस इज वॉट, ओ डियर हाइड, ओ माई गॉड ये डियर को किसने मारा, होली स्मोक्स. और इस दिस, ओह माउस अटैक, ये सेकेंडरी ब्लॉक है, नहीं थर्ड अटैक हमारा क्या है, ओ इससे लात मारता है कोई तो है. मम्मी ये कहां से आया, छुप जाओ, छुपे रहो यहीं पर, ये पकड़ लेगा मेरे को, तेरी तो भाग यहां से साले, पता नहीं क्या है ये गॉब्लिन. स्नीक इंप्रूव्ड, मेरा स्टैमिना चले गया, वो देख रहा है अभी भी मुझे वहाँ से, ये मरवाएगा मुझे, यहाँ छुप के बैठे रहो. नाइस अभी नहीं देख पा रहा वो मुझे. मैं क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ, क्लब क्राफ्ट कर सकता हूँ, नहीं 6 बूट चाहिए मुझे क्लब क्राफ्ट करने के लिए. ये स्टिंकी गॉब्लिन, रुक जा बेटा तुझे, ओ इधर हॉगी है, और देखो नीचे आपको दिख रहा है हमारा स्टैमिना बार, वो ऊपर नीचे जा रहा है. ये काय की आवाज आ रही है, रुको मैं इसको पंच कर सकता हूँ क्या, रुक जा बेटा तुझे तो मैं धोके रहूंगा, आजा ये ले, ओ ये ले मुंह पे, अब तुझे लात मारते. नाइस ये मिले, दोई ओ टेक दैट यू स्टिंकी. ये ट्री मैन है साला, इसका नाम क्या है, ग्रे लाइन ग्रेलिंग जी जी बूम. अनदर वन, एक और ला चाहिए इसको, ये ले और ये मार डालेगा मेरे को. नाइस एक पंच और ही गया, गुड जॉब. जॉब क्या इसने, रेजिन मिला है. ओके रेजिन इज गुड, पर हमारी हेल्थ कम हो गई है, मुझे कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा. साले गॉब्लिन कहाँ से स्पॉन हुआ है यहाँ पर, कौवा मैन मुझे कब से बुला रहा है, आजा भाई मुझसे बात कर ले, हेल वॉरियर. चलो अ टेस्टी मॉर्सल यू हैव फाउंड अ स्नैक, कंज्यूम इट टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड स्टैमिना, बी अवेयर दैट बिफोर लॉन्ग यू विल ग्रो हंग्री अगेन, सो ट्राई टू ऑलवेज हैव एट लीस्ट अ कपल ऑफ डिफरेंट मील्स. ओके क्या हमारे पास खाने के लिए, रॉ पीस ऑफ मीट, कुक इट फॉर टेस्टी ट्रीट,
clean hide food from deer. What is this? Sticky tree resin that insulates well. If put to the flame, it burns slow and steady. Okay. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे को इसको पकाना पड़ेगा. कैंप फायर नहीं बना सकता मैं. सैड लाइफ, कोई बात नहीं. ओके, तो होल्ड करके आप जब जंप दबाते हो तो डॉच करते हैं. किसकी आवाज़ आ रही है मेरे को ठम 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 करने की? वही तो घूम रहा है मेरे आसपास. चलो हम थोड़ा सा खाना ढूंढते हैं. इधर भी एक पड़ी हुई है लकड़ी. नाइस, गुड जॉब. ये क्या है? वो कैंप फायर है क्या? नहीं, स्टोन है. नाइस, ये क्या है? यहाँ पर मक्खियाँ क्यों हैं इतनी? व्हाट इज दिस थिंग? पता नहीं. ओके, हम स्टोन एक्स क्राफ्ट कर सकते हैं? नहीं, एक और वुड चाहिए. 5 वुड और 4 स्टोन्स. 4 स्टोन्स आ गए मेरे पास. मुझे वुड चाहिए. गिव मी वुड, फिर मैं जाऊँगा वो हमने जहाँ पर मार्क करके रखा. ये रहा वुड. नाइस, अब हम क्राफ्ट कर सकते हैं क्या? अरे 3 ही हुआ है, 2 और चाहिए हमें. ये आप दोस्तों के साथ खेलोगे ना तो और मज़ा आएगा. ठीक है, आप होस्ट करके आपके फ्रेंड्स को बुला सकते हो और डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं आपको. ओके, हमारी स्टोन एक्स आ गई है. इजी क्लैप, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ पर. ठीक है, अब हम थोड़ा काटा पीटी कर सकते हैं. स्टोन्स भी हैं यहाँ पर, स्टोन्स उठा लो. स्टोन से हम एक और चीज़ बनाएंगे. पहले हम हमारी एक्स निकाल लें. हाँ, एक और चीज़, ये देख रहे हो आप, ये दूर का थर्ड पर्सन है. आप इसको पास में करके भी खेल सकते हो. इसको काटो. वुडन कटिंग का भी है स्किल. वाओ, कम ऑन, गिव मी समथिंग गुड. इतनी अलग खेलता हूँ क्योंकि इससे आपको आसपास का दिखता है. वन मोर वुड. नाइस, इसको तोड़ सकता हूँ. तो हर चीज़ के लिए आपको स्टैमिना लगता है इसमें. नाइस, गुड वुड. स्टोन्स भी चाहिए. मुझे देखना कि क्या और अनलॉक हुआ. हैमर. दिस इज विथ दिस टू योर हैंड यू कैन रेज हाई हाई वॉल्स माइटी एंड माइट फोर्टिफिकेशन. ओके, क्लब क्लब बना सकते हैं. हैमर आ गया है, टॉर्च आ गया है. चलो हैमर बना लो. हैमर सेम. ओह, कैंप फायर. नाइस, चलो चलो. यूजीन बताओ. You have crafted a hammer. This, with this tool, you will raise mighty halls and towering fortifications. Start by building a workbench. This, in turn, will enable you to construct other things. Thank you, Eugene. My friend, my cover friend. Now get lost. Hey, bury either. Nice, nice, nice. क्या बात है? चलो खाएं berry. इसको रखो हमारे 5 नंबर स्लॉट में. ओके, वी कैन ईट. ओ, यू कांट ईट मोर रेसबेरीज. अच्छा, ये आपके स्लॉट्स में आती है तो आप इसमें अलग अलग फूड खा के आपका जो HP है उसको रेज कर सकते हो. ओके, चलो हम थोड़ा सा खुले में जाते हैं और वर्क बेंच बना के देखते हैं. यहाँ पर एक बॉर घूम रहा है, उससे पंगा नहीं लूँगा मैं. पोपरे, इधर पूरी टीम है. मम्मी, बच गया वो साला. ये तो कूद गया पानी में, वो भी मेरे पीछे पीछे. वहीं पर बैठे रहे, फालतू परेशान नहीं करने का हमें. हाँ, ओके, क्राफ्टिंग अ क्लब. ओके, वर्क बेंच आया है. नाइस, अच्छा ये है हमारे पास. हैमर से आप राइट क्लिक करते हो तो ये सब खुलता है. क्राफ्टिंग, वो कुकिंग स्टेशन, वर्क बेंच. हमें 10 वुड चाहिए वर्क बेंच के लिए. ओके डोकी, लेट्स गेट सम वुड देन. लेट्स गेट सम वुड. ओके, एक यहाँ पर पढ़ाई फ्री. स्टोन, अनदर वुड. थैंक यू, थैंक यू. ओके, लेट्स गो. इसको काटते हैं, इससे शायद हमें कुछ मिल जाए. कम ऑन. अरे मेरा स्टैमिना चले गया. ये 21 क्या है? अच्छा, वो फूड है, वो शायद हमारा ओवरऑल हेल्थ होगी जो दिखा रहा है. 4 वुड आ गया. कितना और चाहिए हमें? 10 चाहिए. हमारे पास अभी 9 है. 1 मोर वुड देन वी आर गुड. लेट्स गो. चलो, हमारा सब कुछ अब लेवल अप होते जा रहा है. कुछ मिला? कुछ मिला. ओके, हो गया है.
अब हम बना सकते हैं हमारा वर्क बेंच। लेट्स सी वर्क बेंच हम कहाँ पुट करें, यहाँ पर पुट करते हैं वर्क बेंच। इजी क्लैप व्हाट द हेक, हम रख नहीं सकते यहाँ पर। रोटेट नाइस, एक कौवा मेरी वर्क बेंच पे आके बैठा है। हेलो यूजीन, यू हैव बिल्ट अ वर्क बेंच। द वर्क बेंच अलाउज यू टू क्राफ्ट कॉम्प्लेक्स आइटम एज वेल एज गिविंग यू एक्सेस टू लॉट्स ऑफ मोर बिल्डिंग पीसेस टू कंस्ट्रक्ट विद द हैमर। ओके ओके, चलो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खुल गई है। लेट्स सी क्या खुला है, बिल्डिंग्स। ओके तो ये घर बनाने का है पूरा, ये फर्नीचर है। ओह शूट्स, ये क्या चेस्ट है, दिस इज बेड, डियर रग, स्टैंडिंग वुड टॉर्च, मिसलिनियस में क्या आएगा, कैंप फायर एंड ऑल है। कैंप फायर के लिए 2 वुड और 5 स्टोन हमारे पास है। ठीक है यूजीन, नाउ गेट लॉस्ट। ये मैं बना सकता हूँ क्या, ये क्या हो रहा है, रुको हम हमारी कैंप फायर यहाँ पुट करते हैं। मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, 2 वुड और चाहिए मुझे। लेट्स गो गेट सम वुड। बोर, साले बोर के बच्चे भाग यहाँ से, पंगा नहीं लेने का हमसे। चलो हमारे पास बेरीज है और नाइस, मुझे स्टिक्स चाहिए। गिव मी द स्टिक्स, गिव मी देम स्टिक्स, नाइस। नाउ आई कैन क्राफ्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, नाइस। ओके अब और मुझे चाहिए है कुकिंग स्टेशन। कुकिंग स्टेशन हम लगाते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, लाइक दिस, नाइस। कुक आइटम, यू नीड टू हैव अ लिट अंडर व्हाट द कुकिंग स्टेशन, अ लिट, हाउ, कैसे इसको लगाना है क्या, नहीं। लिट अंडर द कुकिंग स्टेशन, कैसे करूं मैं इसको, रुको रुको, क्या हम इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर बनाना रहता है क्या, आई थिंक इसके ऊपर बनाना रहता है ऐसा। ओके मैं इसको उठा सकता हूँ क्या, नहीं उठा सकते हम इसको, शाइट्स। चलो 2 वुड है, 2 वुड लेकर आते हैं, फिर देखते हैं क्या हम बना सकते हैं क्या। गिव मी 2 वुड्स, ओके नाइस, थैंक यू। कुत्ता भौंक रहा है, ए सीगल, नाउ आई कैन कुक आई गेस, यस ओके नाइस वन। गुड जॉब, साल आइए तेरी तो, भाग यहां से, ग्रिलिंग, ओके अच्छा पक जाता है तो ऐसी आवाज आती है, नाइस नाइस नाइस। अब हम इसको खा सकते हैं, ईट इट, नाइस। अच्छा ये देखो हमारे इसमें एक बेरी आ गई है, एक टंगड़ी आ गई है, चिकन लेग। वैसे हमने चिकन तो मारा नहीं, फिर चिकन लेग आया कहाँ से हमारे इसमें। ओके व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, चलो इसको बुझा सकते हैं क्या हम कुकिंग स्टेशन को, नहीं।
इसको ऐसे रहने दो, हमारे पास खाना आ गया। अब जो हमने मार्क किया था मैप में उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक पपलू भी घूम रहा है हमारे आसपास। क्या रे पपलू, चल निकल। मुझे ध्यान रखना है बोर वोर आसपास ना हो। और स्टैमिना थोड़ा सा रिकवर करके रखूँ ताकि मरूँ ना मैं। थोड़ा सा हम ये कलेक्ट करते हुए जाते हैं, वहीं जा ही रहे तो। नाइस, एक स्टोन भी मिला है, गुड। ओके, स्टोन्स भी चाहिए रहेंगे मुझे, क्योंकि वहाँ जाके फिर हमको बिल्ड करना पड़ेगा। कम ऑन, कितनी दूर है ये? सही जा रहे हैं हम? हाँ सही जा रहे हैं। Another stone, nice. बाप रे, बहुत ज़्यादा ही अंदर है ये तो। अच्छा ये बताता है, ये बीच है। More wood, nice. This is birch, most hated. तो ये रैंडमली जो वर्ल्ड है और ये बॉस श्राइन जो कह सकते हो, स्टोन्स कह सकते हो, वो रैंडम जनरेट होते हैं वर्ल्ड में। मुझे देखना कहीं पर ओशन या रिवर है कि नहीं। हम किसी आइलैंड पे हैं या पूरा एक बड़ा सा वर्ल्ड है, और आसपास कितने क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं हमें। मेरे को नदी के पास घर बनाना है। भाई साहब क्या बात है। हाँ एक्चुअली में एक और चीज़ है कि इसमें बायोम्स भी हैं, अलग अलग बायोम्स हैं। अभी हम कौन से बायोम में है पता नहीं, हम मिडोज़ में हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ मिडोज़, तो हम मिडोज़ बायोम में। नाइस, और ये रहे वो श्राइन जिसको हम ढूंढ रहे थे। वो कब आ गया? हेलो यूजीन, ब्रिंग टाइडिंग्स, कॉलिंग फॉर द बीस्ट, यू हैव फाउंड द समनिंग प्लेस ऑफ वन ऑफ द फोर सेकंड, मेक द करेक्ट ऑफरिंग एट देयर altar एंड दे विल कम, बी वेरी दो द फॉर सेकेंड आर नॉट ईजी प्रे, सो क्राफ्ट अ वीकेड वेपन, डू योर डॉन योर फाइनेस्ट आर्मर एंड ईट अ हार्थी मील बिफोर एंगेजिंग देम इन कॉम्बैट। ओके यूजीन, ओके ओके। तो ये है वो, और इसके ऊपर एक हिरण बना हुआ है। अब इसको ऑफरिंग देना रहता है, ठीक है, समन करने के लिए। अगर आपको बॉस फाइट करनी है तो इसको समन करना पड़ता है और फिर आप इससे फाइट कर सकते हो। पर अभी हमारे पास एक हैचेट के अलावा कुछ भी नहीं है कि हम इससे फाइट करें। ये क्या मिला? डैंडलायन, नाइस। चलो मैं देखता हूँ इधर क्या है। ओ रिवर है भाई, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिवर एंड वी फाउंड अ रिवर, नाइस वन। यू कुड ईट अनदर बाइट, ओके लेट्स सी। चलो ये भी अच्छा है कि आपको ये बताता है खाना खा लो करके। नीचे रिवर दिख रहा है, कट कट कट। डैंडेलाइन किस काम आते हैं? शोर है क्या इसके, इसमें मैप में अभी कुछ रिवील हुआ है क्या? इधर स्टोन से वेल मेट, क्या बोल रहा है ये? देखें क्या बोलना है इसको। हेलो यूजीन, बी वेरी ऑफ द वेदर, When the temperature drops at night or it you are wet, if you are wet you will suffer from being cold. This reduces your stamina regeneration. Seeking shelter by an open flame is your best option when this happens. Okay, okay. तो ठंड भी है इसमें, कोल्ड लग रही है। अच्छा ऊपर दिखा रहा, देखो मैप के पास में दिखाया आपको, उसमें लिखा हुआ रहा है कि कोल्ड लग रही है भाई तुझे, तू जाके कैंप फायर के पास बैठो। चलो हमें अब कैंप फायर बनानी है, और एक काम करते हैं, किधर बनाया जाए ये चीज़। मुझे एक जगह ढूंढनी पड़ेगी अच्छी वाली जहाँ पर हम ये बना सकें कैंप फायर। इधर ही बनाते हैं रिवर के पास में, ठीक है। हमें रात सरवाइव करनी है क्योंकि कोल्ड हो रही है, तो हमारी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगी। अब स्टोन्स चाहिए हमें। ओके आई कैन प्लेस अ कैंप फायर ओवर हियर, नाइस। ओके नाउ वी सिट, गुड जॉब। अभी हमें लग रहा है मस्त,
कि अब हम ठीक है, यो ही ना बात, गुड जॉब। अब हम वेट करते हैं और क्या बना सकते हैं वो देखना है मुझको। किसकी आवाज़ आ रही है? किसी की सोने की आवाज़ आ रही है। और इस थिस वर्क बेंच नहीं, बिल्डिंग में बेड, फर्नीचर में बेड है ये रहा। बेड के लिए मुझे वर्क बेंच चाहिए, तो मुझे वर्क बेंच वापस बनानी पड़ेगी। ओके, तो इसमें ये है, रुको, टॉगल स्नैपिंग क्या, शिफ्ट ऑप्शन, बिल्डिंग मेन्यू प्लेस, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हमारे पास ये देखो, बेड में प्लेस कर सकता हूँ, पर हमारे पास मिसिंग रिक्वायरमेंट से एक वर्क बेंच चाहिए ताकि मैं बेड प्लेस कर सकूँ इधर। तो मुझे वर्क बेंच बनानी पड़ेगी फिर फटाफट से। वर्क बेंच ये रही, 10 वुड चाहिए मुझे। ओके, क्राफ्ट है वर्क बेंच ओवर हियर, इसको रोटेट करो। कम ऑन डूफस, जस्ट प्लेस, नाइस। अब आएगा फर्नीचर में बेड, बेड के लिए 8 वुड चाहिए, तो वुड लेकर आता हूँ मैं। हम रात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। यू फील कोल्ड, ओके रुको, मशाल निकाल के रखो। मशाल से होता है कुछ? नहीं हो रहा। हमें वुड चाहिए, बोर, नो बोर, आई डोंट वांट बोर, गिव मी सम वुड, दैट्स ऑल आई वांटेड, सम चीकी वुड, नाइस। ओके, साले ये डियर हैं, डराते हैं। ओके, नाउ इट्स ओके, हो जाएगा, अब हमारा बेड बन जाएगा। टॉर्च चलाते हुए चलो, नाइस। अब हम बेड प्लेस करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर प्लेस करें? यहाँ पर लगाते हैं हमारा बेड, नाइस। हे ओ यूजीन, अ हार्ड हेड रेस्ट फॉर द वेयरी, स्लीप द नाइट अवे इन योर बेड एंड अवेकन फीलिंग्स रिफ्रेश्ड एंड फुल्ली फुल ऑफ एनर्जी। अनदर इम्प्रूवमेंट इज टू योर होम वुड बी सम चेस्ट वेयर यू कैन स्टोर आइटम्स। इट इज गुड प्रैक्टिस टू अलाउ ऑलवेज हैव सम स्पेयर इक्विपमेंट्स इफ समथिंग अनफॉर्चुनेट शुड हैपन टू यू वाइल एक्सप्लोरिंग। ओके, सही बोला सही बोला, हमारा बेड बन गया, अब हमें एक चेस्ट भी बनाना है। पर हम सो जाते हैं और क्लेम, ओ बेड नीड्स अ रूफ, व्हाट द हैक ड्यूड, मैं सो नहीं सकता यहाँ पर। रिकटिंग में बिल्डिंग क्या बनाए हम, एक रूफ चाहिए इसको, तो मुझे पूरा ये बिल्ड करना पड़ेगा हमारा हाउस, फिर उसके बाद हम लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था वेलहम का, और भाई मज़ा आ रहा है इसमें खेलने में, क्योंकि इसमें पूरा रैंडम है। जैसे मुझे माइनक्राफ्ट में पूरा वर्ल्ड रैंडम रहता है, आप जैसा खेलना चाहते हो उस गेम को वैसे खेल सकते हो, वैसे ही हम इसको खेल रहे हैं। और अगर आपके पास आपके साथ फ्रेंड्स हैं और उनके साथ खेलना चाहते हो, आप सर्वर बना के खेल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम हमारा घर बनाएंगे और उसके अंदर रखेंगे हमारा ये बेड, और स्टोरेज भी बनाना है हमें, और फिर हम जाएंगे थोड़े से और एक्सप्लोरिंग में। ये हमारा टेम्पररी हाउस ही होगा, क्योंकि मुझे अभी तक अच्छी वाली लोकेशन नहीं मिली जहाँ पर हम हमारा घर बना सकें। ओके, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या।